बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पीयर एडवाइजर्स में। आज मैं बात करूंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट येट ऑप्शनल, जी हाँ, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसे हम LOE भी बोलते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक्सप्रेस एंट्री के लिए। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, जैसे कि आमतौर पे प्रूफ ऑफ फंड के लिए रहती है कि FDs हैं और ऑटो रीन्यूअल मोड पे हैं, नहीं है ये बताना चाहते हो, सैलरी डिटेल नहीं होती रेफरेंस लेटर पर कई बार उसके बारे में बताना चाहते हो, सैलरी इन कैश है उसके बारे में बताना चाहते हो, वो सभी बातें इस टॉपिक में करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक सैम्पल लेटर शेयर करूंगा जो मैंने अपने पीआर के टाइम यूज़ किया था। ऑल्सो दो तीन इंपॉर्टेंट टिप PNP कैंडिडेट्स के लिए, जिससे उनका बहुत टाइम प्रोसेस में बच सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ADR आ सकता है, वो बताऊंगा कि आप कैसे बचा सकते हो ADR को। एक होता है जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जैसे प्रूफ ऑफ फंड का किया, उसके ऊपर उसकी कोई सी भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है उसी डॉक्यूमेंट पे पहले पेज पे दे सकते हो। एक होता है जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, जिसका नाम होता है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, उस फील्ड में आपको ये लेटर अपलोड करना होता है। उसमें आप सारा जो भी किसी की एक्सप्लेनेशन है, चाहे रेफरेंस लेटर की है, चाहे PCC की है, चाहे प्रूफ ऑफ फंड की है, वो एक डॉक्यूमेंट में बना के क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आप अपना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन अपलोड कर सकते हो। मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया था वो ये था, मैंने एक सिंगल फाइल बनाई थी और उसको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में एज ए LOE अपलोड कर दिया था, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो सैम्पल इस प्रकार है, सबसे पहले आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अपना नाम लिख सकते हो, उसके बाद अपनी प्रोफाइल नंबर एक्सप्रेस एंट्री जो हो वो लिख सकते हो, उसके बाद ये लाइन है आप चेंज कर सकते हो, ये सिर्फ मेरा था, डियर सर मैडम आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ए फ्यू पॉइंट्स वेयर आई बिलीव एन एक्सप्लेनेशन वुड बी रिक्वायर्ड। सो ऐसे करके आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे और ईमेल आईडी दे सकते हो। और मेरे केस में जैसे मेरा एम्प्लॉयमेंट लेटर जो था, आई वुड से सॉरी रेफरेंस लेटर था, उसमें सैलरी मेंशन नहीं थी, तो मैं इसमें बताना LOE में एक्सप्लेन करूँगा कि उन्होंने, कंपनी ने बताया है मेरे को कि वो ऑथराइज नहीं है, सैलरी डिटेल्स नहीं लिख सकते, तो वो मैंने LOE में मेंशन कर दिया। और मैंने ये भी बता दिया कि वो सैलरी नहीं लिखी है, बट मैं उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाऊंगा। सो मैंने लगाया था सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट लगाई थी, वेयर सैलरी हैज़ बिन क्रेडिटेड फॉर द होल पीरियड, वो हाईलाइट कर दी थी, इससे आपका मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। और कंपनी का जो लेटर आया था, मेरे को मेल आई थी सॉरी, जिस पे मेंशन किया हुआ था कि सैलरी में नहीं रिवील करेंगे लेटर पे, वो लगा दिया। बाकी जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट थे मैंने सारे लगा दिए, जिससे ये प्रूफ होता है कि मेरी सैलरी आई हुई है। तो आपके केस में अगर कैश इन हैंड है, तो आप कैश इन हैंड के लिए बता सकते हो LOE में, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में, कि ऐसा ऐसा है, मेरी कंपनी में कैश था और इसके लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं। अगर बात करें प्रूफ ऑफ फंड की, तो मेरे केस में ज़्यादा जो अमाउंट था वो FDs में था, और FDs जो थी ऑटो रिन्यूअल नहीं थी, वो सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऑनलाइन करी हुई थी, आफ्टर मेच्योरिटी सारा का सारा अमाउंट मेरे सेविंग्स अकाउंट में आ जाता। तो मैंने ये एक्सप्लेन बता दिया कि मेच्योरिटी, मेरे को पता था कि मेरी जो FDs की मेच्योरिटी है वो मेरे PR प्रोसेस के ड्यूरिंग होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया कि अगर वो मच्योर हो जाती है तो सारा का सारा पैसा मेरे सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। आप अपनी सिचुएशन को यहाँ पे टाइप कर सकते हो, बहुत इजी है, ये सैम्पल है। एक बहुत बहुत ही टॉपिक रहता है कॉमन, सेम नेम एफिडेविट, कोई नेम में कोई दिक्कत है, मदर नेम फादर नेम सेम नेम एफिडेविट बनाइए और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करें और एफिडेविट ओरिजिनल की कॉपी को ज़रूर अटैच करें। और ये मैंने कुछ वैसे ही लिखा था अपनी अपने केस में, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, टू कंक्लूड करने के लिए सारी डिटेल लिख दी थी मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना सारा का सारा डिटेल यहाँ पे, कि मैं कौन सी कंपनी में जॉब कर रहा था, कौन सी NOC, ये मैंने वैसे नोट बना के लिखा हुआ था अपने में, जैसे मेरा ओंटारियो से मेरे को नॉमिनेशन आई हुई थी तो उसके बारे में मैंने लिख दिया था, फाइल नंबर ये है, PCC सब कुछ लिख दिया, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने ऐसे एक टेबल बना रखा था स्नैपशॉट्स रेफरेंस के लिए, इजी, इंग्लिश स्किल, आइल्स की डिटेल डाल दी थी, आइल्स नंबर, एजुकेशन, वैस मीन्स कि उनको अगर ये देख लें समरी तो सारा पता चल जाएगा क्या क्या केस है, रेंज एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, नो प्रोवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम है, ओंटारियो लिख दिया, ओंटारियो फाइल नंबर लिख दिया, मेडिकल का नंबर लिख दिया, PCC का लिख दिया, फंड्स लिख दिए,
फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कि फेडरल स्किल वर्कर में कितने पॉइंट है, जैसे आउट ऑफ 100 होते हैं ना 67 मिनिमम चाहिए, वो मैंने बता दिया मेरे केस में कितने बन रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने ओवरऑल आउट ऑफ 1200 कितने बन रहे हैं, जैसे मेरे केस में 444 प्लस 600 नॉमिनेशन का 1044 बन रहे थे, वो मैंने बना दिए। और जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी थी वो ये है, पीएनपी एप्लीकेंट्स के लिए एक फॉर्म होता है IMM008_4E इकोनॉमिक क्लास नॉमिनी प्रोग्राम, ये आपको डाउनलोड कर लेना है और फिल करके, बस दो ही डिटेल होती है कितने पैसे और कौन सी प्रोविंस से नॉमिनेशन आई, ये फिल करके आपको साथ में ही LOE के आपको अपलोड करना है। एक ही फोल्डर बनाना है जिसमें जैसे एक PDF बना लो उसी में अपलोड कर देना ये, और अपना नॉमिनेशन सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन अप्रूवल लेटर, वो दोनों चीज़ें भी LOE के साथ में ही अपलोड करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ वो बाद में एज ए ADR मांग लेते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, आपका प्रोसेस बच जाएगा। तो ये था सारा वीडियो फॉर LOE, और इसके बाद मैं इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाऊँगा मेडिकल पे और रेफरेंस लेटर पे, तो आई होप यू विल लाइक इट। So do